है मेरे पास आईक्यू G3 5G स्मार्टफोन का बॉक्स, करेंगे इसकी सील को ब्रेक और देखेंगे बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल ऊपर आपको आईक्यू लिखा हुआ मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर हम बात करें, पीछे आपको मिलता है इसकी का वेरियंट वगैरह सभी चीज़ कलर्स के साथ में कुछ डिटेल वगैरह यहीं पर। फिलहाल करेंगे हम इसकी दोनों सील को ब्रेक और देखेंगे बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो दोनों सील हो चुकी हैं, सील ब्रेक और बॉक्स ओपन होते से मिलता है हमें येलो कलर का ये सेक्शन। इस सेक्शन में हमें मिलता है ये सिम ट्रे टूल, उसी के साथ आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क किसी फ़ोन के बारे में जानकारी के लिए सिम ट्रे की किसी पैम्पलेट के साथ में। वो नीचे ही आपको ये बेसिक से सिलिकॉन कवर मिल जाता है और इनके प्रोटेक्शन के लिए टाइप सी डाटा केवल मिलने वाली है फ़ोन को फास्ट चार्ज करने के लिए और एनी डाटा शेयर करने के लिए। नीचे रखा हुआ है फ़ोन जो कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल इसको जल्दी से हम यहाँ पे रैपर में रिमूव कर लेते हैं। फिलहाल इसको बूट करके रखेंगे साइड में और देखेंगे इसके केस को लगा के, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ काफ़ी अच्छा लगने वाला है फ़ोन इस केस के साथ में। और कलर से है जो साइबर ब्लू कलर, वो भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। नीचे इस येलो सेक्शन को हटाते नीचे मिल जाता है एक 50 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर जो कि आपका एक बहुत ही फास्ट चार्जिंग होने वाला है। बात करें अगर ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन की, तो यहाँ पे डिज़ाइन और लुक और जो डेफिनेटली यहाँ पे जो थिकनेस है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ही कम मिलती है। वेट आपको 186 ग्राम मिल जाता है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। वन हैंड फील काफ़ी अच्छी होने वाली है, एक हाथ से काफ़ी आराम से और बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो। डॉट नोच की डिस्प्ले के साथ मिलती है। नीचे से ऊपर आपको जो बेजल्स है वो बहुत ही आपको यहाँ पे कम मिलने वाले हैं, तो डिस्प्ले आपकी यहाँ पे बेजल्स कम होने के काफ़ी बड़ी होने वाली है। कलर्स की बात करें फ़ोन की, तो फ़ोन की ये हमारा साइबर ब्लू कलर जो कि, और इसी के साथ आपको इसमें एक और वेरिएंट मिलता है जो कि आपका ब्लैक एस ब्लैक कलर में होने वाला है। तो दोनों कलर बहुत ही यूनिक और काफ़ी अच्छे कैमरे के साथ में जो डिज़ाइन है उसमें दोनों फ़ोन काफ़ी आने वाले हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले आपको 6.58 इंचेस की मिल जाती है, जिसमें 20.9 रेशियो है IPS LCD HDR10 मिलने वाली है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होने वाली है। रेफरेंस रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 120 रेफरेंस रेट मिलने वाला है इस फ़ोन में। टच सैंपल्स की बात करें तो आपके 180 रेफरेंस रेट टच सैंपल्स होने वाला है। तो गेम इतना स्मूथली 5G प्रोसेसर के साथ में चलने वाला है कि बहुत ही यूनिक डिस्प्ले इस फ़ोन में होने वाली है टच सैंपल्स के साथ में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। OS की बात करें तो उस वक्त फन टच OS 11.1 ग्लोबल बेस्ड फोन एंड्रॉइड 11 से मिल जाता है। लेटेस्ट चीज़ इसमें भी आपको फ़ोन में मिलने वाली है। आपको इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह यहाँ पर चेंज फोन को का और भी अच्छा लुक डिज़ाइन देने के लिए दिए गए हैं। आगे बात करें इसकी जो पोर्ट एंड बटन, नीचे आपको 3.5 इंच मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, टाइप ए पोर्ट स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, राइट साइड बिल्कुल क्लीन है। ऊपर की तरफ बात करें तो इसमें आपको सिम ट्रे मिल जाती है जो कि आपकी डेडिकेटेड सिम ट्रे होने वाली है, यानी एक टाइप का 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो स्लॉट यूज़ कर सकते हो। ऊपर ही आपको सेकेंड माइक्रोफोन मिल जाता है, राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़ और आपकी फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि बहुत ही फास्ट और उसके और होने वाला है आईक्यू की तरफ से लेटेस्ट सेंसर आने वाला है। तो इसी के साथ आपको फेस अनलॉक भी इसी फोन में इनबिल्ट मिलने वाला है, तो दोनों ही आपको बहुत ही फास्ट और स्कोर मिलने वाले हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको इसमें 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है। 50 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग इसमें आपको मिलने वाले है, बहुत ही फास्ट चार्ज फोन को करने वाला है। यहाँ पे आपको 50% चार्ज सिर्फ 19 मिनट में आपके फ़ोन को 50% चार्ज कर देगा। आपको बात करें बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है जो कि आपको ऑटो फोकस सैमसंग G W3 सेंसर एपचर 1.79 के साथ आने वाला है। ये कुछ सैंपल्स वगैरह है जो कि आप देख, यहाँ पर आपको सैंपल्स दिखाएं तो बहुत ही आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड में यहाँ पे वीडियो करता है जो मेन कैमरा होने वाला है। उसी के साथ अगर बात करें प्रोसेसर की और परफॉर्मेंस की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G 5G इंडिया फर्स्ट फास्ट एट 5G प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। 7.9 mm यानी कि 7 नैनोमीटर चिप एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर का यूज़ किया गया है जो कि फ़ोन को यहाँ पे और भी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे डेफिनेटली बनाने वाला है। खैर ये तो होगी इसके फास्टेस्ट। अगर आगे बात करें इसके जो वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम 8GB रैम 12GB रैम के साथ मिलता है जिसको आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। ये आपको फीचर्स पहले IQ7 में दिया गया है, वहाँ से आप आराम से इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि 6GB रैम आपकी 3GB रैम एक्सटेंड होने के बाद हो जाएगी 9GB और 8 हो जाएगी आपकी और भी ज़्यादा 3-3GB आपको यहाँ पे एक्सटेंड आराम से कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होने वाली है। प्रोसेसर परफॉर्मेंस सभी चीज़ आपको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे प्लस टू प्लस पॉइंट दिया जाता है IQ में। हर टाइम लेटेस्ट चीज़ का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। उसी टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी कि 5 लेयर्स लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है जो कि आपके फ़ोन को
बिल्कुल भी हीट नहीं होने वाला, ना ही आप इंडोर यूज़ करें या आउटडोर यूज़ करें कहीं पर भी, तो ये यहाँ पे एक डेफिनेट चीज़ होने वाली है। प्लस में आपको फास्टेस्ट प्रोसेसर 5G मिलता है और डिस्प्ले भी आपको बहुत ही यूनिक और काफ़ी बिग स्क्रीन कम बेजल के साथ में मिलने वाली है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, आई होप डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो के देखने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। वैसे डेफिनेटली आपको सभी चीज़ अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ लेटेस्ट, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन। दोबारा से आपको ये बता दूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।